देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेज नंबर 254 पे है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको समझने के लिए सबसे पहले बैरोमीटर का पता होना जरूरी है। इसमें एक बैरोमीटर वर्ड यूज हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय बैरोमीटर। अगर बैरोमीटर का प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगने वाला है। इस क्वेश्चन को देखते ही आप टिक मार्क कर देंगे, लेकिन पहले तो बैरोमीटर कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि बैरोमीटर का चक्कर क्या है, ये कैसे वर्क करता है, हाउ द बैरोमीटर वर्क्स, आपको पहले ये पता होना जरूरी है। समझते हैं कि अगर बैरोमीटर होता क्या है। सबसे पहले तो बैरोमीटर क्या होता है सुन लो। बैरोमीटर एक डिवाइस है जो कि प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है कि इस कमरे का प्रेशर कितना है। मतलब अगर मैं इस कमरे का जो प्रेशर है अगर मैं बढ़ा दूं तो वो बैरोमीटर में जो रीडिंग है वो ज़्यादा आ जाएगी, और अगर इस कमरे का प्रेशर मैं घटा दूं तो रीडिंग कम आ जाएगी। बैरोमीटर कैसे काम करता है मैं ये आपको बहुत ही कम टाइम में समझा दूंगा, आप इसको ध्यान से समझें, इसके बगैर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ सकता। ठीक है, समझते हैं। मैं एक बार इस क्वेश्चन से हट के कुछ बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और मैं इसको रब करके फिर इस क्वेश्चन के ऊपर आऊँगा। ठीक है, बैरोमीटर को बनाने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, घर पर बना सकते हो अपने। आप एक काम करो, एक टब लो, टब एक कंटेनर ले लो, कंटेनर, और उस कंटेनर के अंदर मरकरी डाल दो आप। ठीक है, आपने इसके अंदर मरकरी डाल दीजिए। ठीक, अब आप ऐसा करो एक ट्यूब लो, ट्यूब, वो ट्यूब कम से कम भी 1 मीटर लंबी हो, बैरोमीटर कम से कम भी 1 मीटर लंबा कम से कम होगा। एक ऐसी ट्यूब ले लो आप, और ये ट्यूब कितनी लंबी है, 1 मीटर लंबी ट्यूब है। ठीक, और इस वाली ट्यूब के अंदर मरकरी भर लो, ये 1 मीटर लॉन्ग है यानी कि 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक, इसमें किनारे तक मरकरी भर लो आप, किनारे तक भर लिया, किनारे तक आपने इसको भर लिया, बिल्कुल किनारे तक भरना है, हल्का सा भी ना यहाँ स्पेस नहीं रहना चाहिए। टब को मैं थोड़ा नीचे रख रहा हूँ यहाँ पे, इसमें मरकरी है, इस टब में मरकरी है, इसमें से किनारे तक मत भरो इसको, इसको जरूरी नहीं किनारे तक भरना है, चाहे भर दो चाहे ना भरो, इसको किनारे तक भरना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे अंगूठा लगा लो, और इस बात का ध्यान रखिए इस अंगूठे के बीच में और इसके बीच में एयर बिल्कुल भी ना रहे, कहीं पर भी एयर नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे अंगूठा लगा लिया या हाथ लगा लिया, हाथ और इस मरकरी के बीच में कहीं पर भी एयर ना हो। ठीक है, बिल्कुल आपने किनारों तक भरा और फिर ऊपर हाथ लगाया या अंगूठा लगाया, इसको पलट लिया, ऐसे पलट लिया आप। ठीक है, ये सपोज मरकरी की ट्यूब थी, ऐसे थी पहले, किनारे तक भरी हुई थी, यहाँ हाथ लगाया और उसको पलट लिया, ऐसे मरकरी तो नीचे नहीं गिरेगा अब। ठीक है, अब इसको ऐसे करके अंदर डुबा के, पूरा भी नहीं डुबाना, बस ये मुंह डुबा होना चाहिए बस इसका, एटलीस्ट कम से कम इसके अंदर ये मुंह डुबाना चाहिए, फिर छोड़ दो इसको। ठीक है, जब आप इसको छोड़ोगे बस कुछ ही पोर्शन नीचे डुबा हुआ है, 5-10 सेंटीमीटर बस, पूरी ट्यूब नहीं डुबानी, थोड़ा सा डुबा हुआ है बस, 5-7 सेंटीमीटर डुबा हुआ है बस। अब बताओ ये मरकरी इसमें नीचे स्टब में निकल जाएगी, तब तो काफ़ी कंटेनर की वॉल्स बड़ी ऊपर तक हैं, क्या ये मरकरी नहीं निकलेगी, आपको क्या लगता है मरकरी नीचे निकल जाएगी नहीं निकलेगी। इसका आंसर सुन लो क्या है, ऐसा जब एक्सपेरिमेंट आप करोगे या साइंटिस्ट लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो हुआ ये, वास्तव में ये नीचे से निकली लेकिन पूरी नहीं निकली, 76 सेंटीमीटर तक रह गई है, कहाँ तक रह गई है, और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया और यहाँ पे 76 तक रह गई, बस 76 सेंटीमीटर तक रहती है ये। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि ये ट्यूब जो है ना ये 2 मीटर लंबी ले ली, 2 मीटर लंबी ट्यूब लेके फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर भी मरकरी सिर्फ 76 तक ही रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने इस ट्यूब की हाइट ज़्यादा ली तो ये ज़्यादा हाइट तक रहेगी, ऐसा नहीं है। इसको जब 20 मीटर लंबा ले लो आप, मरकरी सिर्फ कितनी चढ़ी रहती है, 76 ऊपर, 76 ही ऊपर चढ़ी हुई रहती है। इस ट्यूब का जो रेडियस है कम ज़्यादा कर लो चाहे आप, इसका रेडियस ज़्यादा कर दो, चौड़ी ट्यूब ले लो, चौड़ी ट्यूब, और ऐसे हाथ लगा के फिर ऐसे करो तो अभी ऊपर 76 ऊपर चढ़ी हुई रह जाती है। क्यों, अब क्वेश्चन नहीं आता क्यों, ठीक है ना, पहले तो ये बात समझ आ गया, ये 76 है क्या, 76 है क्या, पहले तो ये समझ में आना चाहिए।
76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, ये क्या है? ये पहले तो देखो, एक ट्यूब लिया आपने मरकरी की भरी हुई, जो कि कम से कम 1 मीटर लंबी है या 1 मीटर से ज्यादा है, उसको पूरा किनारे तक मरकरी भर के और उसके ऊपर अंगूठा या हाथ लगा के और ऐसे मरकरी के ही कंटेनर में, कंटेनर पानी का नहीं होना चाहिए, मरकरी का ही होना चाहिए ताकि मरकरी मरकरी एक जैसा हो जाए, और उसको उसके अंदर ऐसे करके और ऐसे छोड़ने पे ये 76 तक ऊपर मरकरी रह जाएगी, 76 तक। ये 76 तक क्यों रहती है, सुन लो आप, यहाँ पे क्या वैक्यूम है, यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब कोई एयर नहीं है, तो यहाँ पे एयर का कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा। इस जगह पे ये बात मानते हो आप कि यहाँ पे एयर का कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है? एयर का प्रेशर इस ट्यूब पे जरूर पड़ रहा है, लेकिन अंदर जो मरकरी है, इस मरकरी की कांच की ट्यूब है, तो कांच की ट्यूब इसको ओवरकम कर लेती है, बट अंदर कोई प्रेशर नहीं है हवा का, यानी कि यहाँ पे सरफेस पे ऊपर से यहाँ पे जीरो प्रेशर है, ऊपर से कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा, मानते हो इस बात को? यहाँ का प्रेशर कितना है, यहाँ पे एयर का प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पे कितना पी नोड, पी नोड की वैल्यू कितनी है? अब ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, तो इन दोनों पॉइंटों का प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम, क्योंकि दोनों के बीच में होमोजेनियस मीडियम है, एक ही जैसा मीडियम है और दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो यहाँ का अगर टेन रेज पर 5, तो यहाँ का भी कितना रहना चाहिए? इस टेन रेज पर 5 के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मरकरी 76 सेंटीमीटर ऊपर रही है। अगर ये 76 सेंटीमीटर मरकरी जो है ना, वो एग्जैक्टली इतना प्रेशर बना देती है 10 रेज पर 5 का ही, मैं कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, अभी इतना ही प्रेशर बनाती है वो। अगर मरकरी 78 सेंटीमीटर ऊपर तक रह जाती है, तो यहाँ पे जो प्रेशर बनता वो 10 रेज पर 5 से ज़्यादा बनता। ये सपोज ये मरकरी पूरी नीचे आ जाती, मान लो ये मरकरी पूरी नीचे आ जाती, तो यहाँ का यहाँ तक आ जाती मरकरी, तो इसके अंदर तो कोई प्रेशर होता ही नहीं, यहाँ का तो जीरो प्रेशर हो जाता है इस जगह का। तो ये मरकरी पूरी नीचे आ जाती है, तो यहाँ पे इसके अंदर तो ट्यूब के अंदर कहाँ कितना प्रेशर होता? जीरो। तो यहाँ का भी फिर जीरो प्रेशर होता, मरकरी यहाँ तक ही नीचे आ जाती तो, और यहाँ का 10^5, तो वो जो लो था, लो क्या था कि एक दो पॉइंट अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हों तो उनका जो प्रेशर है वो सेम रहता है, और बीच में होमोजेनियस मीडियम हो, तो इस लो को कैसे भी करके मेंटेन करना आपको, ये बैरोमीटर इसी प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं, और मैं आपको प्रूव कर दे रहा हूँ कि 76 सेंटीमीटर उतना ही प्रेशर मेंटेन करेगा, एग्जैक्टली इतना ही 10^5 के बराबर। कैसे? दो करते हैं 76 एच रो जी, ये जो कॉलम हाइट है मरकरी की 76 सेंटीमीटर की, जो कॉलम हाइट बोलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की, इस कॉलम हाइट ने कितना प्रेशर बनाया एच रो जी के बराबर? एच की वैल्यू कितनी यहाँ पे 76 बाई 100 का प्रेशर बनाया। समझ आ रहा है आपको? ये वाला रो, रो की वैल्यू इसका, इसका रो होता है 13.6 × 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा ही में रखो आप, इतना होता है इसका रो। जी की वैल्यू कितनी होगी 10, इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करो इसको, इसको सोल्व करें अगर हम लोग, सेवेंटी सिक्स मल्टीप्लाई बाय 13.6, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास 1033.6, और ये कैलकुलेट हो गए, ये 1.0336 × 10^5, लगभग कितनी नहीं, लगभग 10^5 पास कला गया है। एग्जैक्टली ये 76 सेंटीमीटर, एक रिजल्ट याद रखना कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम हमेशा ही 180 के बराबर प्रेशर बनाता है। 76 से अगर कम हाइट होगी तो वो प्रेशर जो बनाएगा वो 10^5 से कम बनाएगा, और 76 से अगर ज़्यादा हाइट होगी तो 10^5 से ज़्यादा प्रेशर बनाएगा। तो यहाँ पे हमें बनाना था यहाँ पे 10^5, क्योंकि यहाँ पे 10^5 है, इसलिए 76 ही रहा। यहाँ तक समझा कि 76 क्यों रहा? अब सपोज बाहर का प्रेशर क्या हुआ, 10^6 हो गया, बाहर का प्रेशर कितना हो गया, बाय द वे एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ गया, तो ये मरकरी अपने आप उठी ऊपर चली जाएगी, अपने आप यहाँ से निकल के ऐसे ऊपर चली जाएगी अपने आप, ताकि यहाँ का प्रेशर 10^6 बन जाए, ज़्यादा हाइट सी होगी फिर अपने आप ऊपर की ऊपर चढ़ जाएगी, और यहाँ का प्रेशर बाय द वे एटमॉस्फेयर के 10^4 हो गया, तो मरकरी का लेवल अपने आप नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार मरकरी की जो हाइट है ना, उसको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर कितना प्रेशर रहा होगा। इस मरकरी का जो लेवल अपने आप ऊपर नीचे होता है अपने आप ही, जितना बाहर का प्रेशर उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ का प्रेशर 10^5, यहाँ का प्रेशर भी 10^5 बनाने के लिए वो मरकरी अपनी हाइट चेंज करती रहती है उस हिसाब से। आगे बात समझ में आपको? अब सुनो अगली बात, अगर वाटर की, अगर यही वाली ट्यूब, अगर सर मरकरी तो महंगी आती है, पानी से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या? मतलब इस कंटेनर में भी पानी ले लें सर, कंटेनर में पानी ले लिया और ट्यूब के अंदर भी हम पानी ले लें, तो फिर कैसे होगा एक्सपेरिमेंट? हो जाएगा। वाटर की हाइट होनी चाहिए 10.2 मीटर, 10.2 मीटर हाइट ऑफ वाटर कॉलम,
ये मरकरी कॉलम है, पानी बहुत हल्का होता है, पानी को अगर 10 रेज पर 5 पास्कल का प्रेशर बनाना है तो हाइट कम से कम होनी चाहिए 10.2 मीटर, यानी जो ट्यूब लेनी पड़ेगी 12 मीटर लंबी लेनी पड़ेगी ट्यूब, 12 मीटर लंबी ट्यूब लो पानी की, उसमें पानी भरो, उसको भी ऐसे करके और ऐसे करके एसिड करो आप, ठीक है। तो पानी की हाइट 10.2 मीटर तक, 10.2 मीटर ऑफ वाटर इतना प्रेशर बना देता है, मैं प्रूव कर देता हूँ 10.2, क्योंकि लेकिन वो हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसे एक्सपेरिमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो हाइट देखना मतलब सीढ़ी के ऊपर जो चढ़ के देखना पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि 10.2 मीटर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो एच रो जी वाटर के किस में करते हैं, अगर मरकरी किसी का वाटर होता तो एच की वैल्यू 10.2, रो कितना होता है इसका 10 रेज पर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू 10, सॉल्व करो लगभग आता ही है 1.02 × 10⁵, 10.2 मीटर की हाइट लगभग इतना प्रेशर बनाती है, समझ में आ गया आपको। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ना, इसलिए मरकरी यूज़ करते हैं क्योंकि मरकरी ये 76 सेंटीमीटर हाइट तक, 1 मीटर हाइट तक लगा पाना बड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो इतनी ज़्यादा हाइट उसको कैरी करना मुश्किल हो जाएगा उस वाले बैरोमीटर को, ठीक है, इस वाले बैरोमीटर कैरी किया जा सकता है। अब एक अगली बात सुनो, यहाँ पे सपोज आपने क्या किया कि ये मरकरी ना यहाँ तक नहीं भरी किनारे तक, मान लो एक बार किनारे तक नहीं भरी, आपने थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया यहाँ पे, थोड़ी बहुत हवा के मॉलिक्यूल्स आ गए यहाँ पे, हवा के मॉलिक्यूल्स, अब आपने अंगूठा लगाया और फिर इसको पलट दिया अगर, तो वो एयर के मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएंगे, फिर एयर घुस गई इसके अंदर, क्या घुस गई इसके अंदर, एयर। एयर क्यों घुसी है, क्योंकि आपने क्या किया किनारे तक नहीं भरी थी और थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ दिया जहाँ पर एयर आ गई थी, फिर आपने अंगूठा लगा के फिर ऐसे पलटा है तो थोड़ी बहुत एयर अंदर रह गई। अब इस एयर का भी एक प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ द एयर होगा कि नहीं होगा बताओ थोड़ा सा, और एक इसका भी होगा, और दोनों का मिला के यहाँ पे कितना होना चाहिए 10⁵, तो मरकरी ऑटोमेटिक 76 ऊपर नहीं चढ़ेगी, 76 से कम ऊपर चढ़ेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रेशर हो सकता है कि इसकी वजह से, थोड़ा सा इसकी एयर की वजह से आ गया, अब जो कमी समी रही, जो कमी रही उस कमी को पूरा करेगी मरकरी, और यहाँ का प्रेशर 10⁵ मेंटेन होगा, यहाँ का 10⁵, तो यहाँ का भी 10⁵ मेंटेन करने के लिए मरकरी को 76 ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो प्रेशर एयर ने दे दिया, समझ आ रही बात आपको। और जो बाकी बचा हुआ है 10⁵ को मेंटेन करने के लिए, उतना मरकरी देगी और उतना फिर 76 से भी कम हाइट में काम चल जाएगा अगर अंदर एयर आ गई तो। मैं थोड़ी सी अंदर और एयर डाल दूँ कैसे भी करके, तो मरकरी का लेवल और नीचे चला जाएगा, और एयर डाल दो और नीचे चला जाएगा, एयर बिल्कुल इतनी डाल दी कि अंदर हवा ने ही 10⁵ पास्कल का प्रेशर बना लिया, तो मरकरी बिल्कुल यहाँ तक आ जाएगी। और अगर मैं इसमें से हवा निकालता रहूँ किसी भी तरीके से, तो मरकरी का लेवल ऊपर चढ़ता चला जाएगा और 76 तक ऊपर चढ़ेगा, बस इससे ऊपर फिर एयर कितनी भी निकालो, बिल्कुल वैक्यूम कर दो तो भी 76 तक तो चढ़ा रह जाएगा। यानी कि अंदर अगर एयर होना, उसको फॉल्टी बैरोमीटर बोलते हैं, फॉल्टी बैरोमीटर, अगर अंदर एयर रह गई तो, क्योंकि एयर अपना प्रेशर बनाती है, उस केस में मरकरी की जो कॉलम हाइट है वो 76 नहीं रहती, 76 से कम रहती है। अगर कोई ये कह दे कि फॉल्टी बैरोमीटर में, एक तो बिल्कुल ट्रू बैरोमीटर है, ट्रू यानी फॉल्टी नहीं है वो, ट्रू मतलब फॉल्टी नहीं है, इसका मतलब क्या, आइडियल बैरोमीटर है, मतलब अंदर एयर बिल्कुल भी नहीं है, उसमें तो कॉलम हाइट होती 76, ठीक है ना। और अगर फॉल्टी हुआ, अंदर थोड़ी बहुत एयर रहेगी, तो हाइट जो है 76 से कम होगी, ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, अब ये क्वेश्चन बड़ा इजीली हो जाएगा आपसे। द हाइट ऑफ द मरकरी इन द बैरोमीटर इज 70 सेंटीमीटर, इसने बोला कि यहाँ पे हाइट जो है वो 70 सेंटीमीटर है, बाहर इस आपको नहीं सर 76 होना चाहिए, क्वेश्चन में 70 क्यों दिया हुआ है, अरे हो सकता है कि बाहर का प्रेशर 10⁵ ना हो, बाहर का प्रेशर 10⁵ से कम हो, तो मरकरी की हाइट भी 70 ही रहेगी ऐसे केस में। ड्यू टू एंट्रैप्ड एयर इन इट शोन इन द फिगर नॉट वैक्यूम, अंदर बोला कि इसने अंदर एयर है, अंदर क्या है नॉट परफेक्ट वैक्यूम, इसने लिखा है यहाँ पे, इसलिए 70 आ रहा है शायद, इसलिए 70 शायद, वैसे 76 होता है, अंदर एयर घुस गई तो जो छः सेंटीमीटर मरकरी ने जो प्रेशर बनाना था वो प्रेशर एयर ने बना दिया, इसलिए मरकरी सिर्फ 70 तक गई है, 76 तक गई नहीं। नाउ फ्रॉम दिस पोजिशन ड्यू ट्यूब इज पुल्ड अप स्लाइटली देन द लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम इन द ट्यूब विल बी, अभी कह रहा है कि इस ट्यूब नाउ फ्रॉम द पोजिशन ट्यूब इज पुल्ड अप स्लाइटली, अब ट्यूब को थोड़ा ऊपर खींच लिया, तो फिर क्या कर लिया, थोड़ा सा ऊपर खींच लिया ट्यूब को। अब ये बोला कि लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम इन द ट्यूब, अब ये जो मरकरी कॉलम है, ये जो मरकरी जहाँ तक गई हुई है, क्या ये मरकरी अब नीचे गिरेगी कि ऊपर चढ़ेगी या उतनी रहेगी, इसका आंसर है कि मतलब नीचे गिरेगी इसके अंदर, मरकरी उतनी हाइट उसकी सरफेस से, कितनी हाइट है उसकी 70, सरफेस से 70 भी नहीं रहेगी लगातार,
सरफेस से तो 70 बनी रहेगी, आप मरकरी के ट्यूब को ऊपर खींचो चाहे नीचे डुबाओ, ठीक है, सरफेस से कितनी बनी रहेगी 70, क्योंकि देखो प्रेशर ऑफ द एयर फिक्स है, प्रेशर ऑफ द एयर जो भी है ये तो कॉन्स्टेंट है, एयर तो उतनी ही रहेगी, नहीं नहीं सॉरी सॉरी देखो सुनो सुनो, नहीं नहीं मतलब इसके अंदर क्या होगा सुनो, मरकरी इसके अंदर जो है ना, इसका आंसर क्या आएगा सुन लो आप, ये अगर आप इसको ऊपर खींचोगे, आप क्या कर रहे हो, आप इसको ऊपर खींच रहे हो, अगर आप इसको ऊपर खींच रहे हो सुन लो क्या होगा फिर, मरकरी की हाइट कितनी रहने की कोशिश होगी 70, ऊपर से खाली स्पेस ज्यादा हो जाएगा, फिर खाली स्पेस ज्यादा हो जाएगा, बात मानते हो, तो कैसे सुनो, सपोज टोटल है 30 सेंटीमीटर, ये टोटल कितना है और ये कितना है, यहाँ से ऊपर कितनी है ये ट्यूब, यहाँ से ऊपर 70 प्लस 30 कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है वो 100 है, आपने इसको 10 सेंटीमीटर और ऊपर खींच लिया, तो एक बात बताओ मरकरी को कहाँ तक रहना चाहिए, 70 तक, ये ट्यूब है वो ऐसे होगी, अभी कितना हो गया बताओ 40 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, अभी 40, ये वाला कितना है 70, 10 कहाँ से है, ऊपर खींचा था इसको, अब ये एयर जो थी पहले तो इतने से एरिया में थी, इतने से वॉल्यूम में थी, अब वो सारे वॉल्यूम में आ गए उतने ही मॉलिक्यूल्स, पहले मान लो 100 ही मॉलिक्यूल थे, पहले 100 मॉलिक्यूल इतने एरिया में थे, अब वो 100 मॉलिक्यूल इतने एरिया में आ गए, इतने सारे वॉल्यूम में आ गए वो, अब पहले तो हवा थी इतने से एरिया में, अब वो हवा होगी इतने से एरिया में, एयर को फैलने के लिए ज्यादा जगह मिल गई, एयर को फैलने के लिए, अब अगर अगर एयर को फैलने के लिए ज्यादा जगह मिल गई तो बताओ वो प्रेशर कम लगाएगी या ज़्यादा लगाएगी, अब कम लगाएगी भाई, 100 मॉलिक्यूल है वो तो, एक तो इतने एरिया में हो 100 मॉलिक्यूल, एक इतने एरिया में हो, इतने वॉल्यूम में हो, मतलब वही 100 मॉलिक्यूल अगर ज़्यादा वॉल्यूम में होंगे तो प्रेशर कम लगाएंगे, तो ये वाली एयर कम प्रेशर लगाएगी, अब ये वाली एयर कम प्रेशर लगाएगी पहले की बजाय, तो मरकरी को अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, समझ आ रही है बात आपको, मरकरी को अपने तो मरकरी को ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा, 70 की बजाय 71 72 ऐसे करना पड़ेगा उसको, क्योंकि हवा ने अपना प्रेशर कम कर दिया, हमने हवा बाहर नहीं निकाली, एक तो तरीका था कि हम इसमें से एयर निकाल लेते, अगर हम इसमें से एयर निकालते तो भी मरकरी ऊपर चढ़ती, अगर हम सीधा किसी भी तरीके से कोई जादू मंत्र करके इसमें से एयर बाहर निकाल लेते तो मरकरी ऊपर चढ़ती, अब हमने हवा को बाहर निकालने की बजाय ट्यूब को ऊपर खींचना शुरू कर दिया, जिससे ये जो वैकेंट स्पेस था ये बढ़ गया, जिसमें एयर को फैलना था वो स्पेस बढ़ गया, वो स्पेस बढ़ गया तो एयर ने कंप्रेशर लगाना शुरू कर दिया, कंप्रेशर लगाना शुरू कर दिया तो वो जो कम हुआ वो पार्ट किसको मेंटेन करना पड़ेगा, मरकरी को, तो मरकरी को ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो मरकरी ऊपर चढ़ गई इस केस के अंदर, बात समझ में आई आपको, इसका आंसर ये है कि स्लाइटली मोर देन 70 सेंटीमीटर मरकरी ऊपर चढ़ेगी इसके अंदर, 70 से भी ज्यादा हाइट हो जाएगी उसकी, ठीक है पक्का।